जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे केतन, जल्दी जल्दी हाथ चला, तुझे पता है ना ये रंगोली बनने वाली है, चल जल्दी सफाई कर। दादी, हम फूल ले आए लेकिन गुलाब के फूल नहीं मिले। ठीक है, लेकिन बेटा ये फूल काम पड़ जाएंगे, तू जाके और फूल ले आ। आप चिंता मत करो, हम अभी लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है। बोला की बड़ी माँ, झाई आ गई? हाँ बड़ी माँ, झाई तो हम कब से ले आए हैं, रसोई में रख दिए। अच्छा ठीक है। छोटी, तू पूजा की सामग्री निकाल लेना और शंकर जी और तीजा माता की मूर्ति बनाने का प्रबंध भी कर देना। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। छोटी बहू, पिछले साल तीज में मैंने तुम दोनों को जो कंगन दिए थे, इस बार जरूर पहनना। जी माँ। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। सूरज से प्रकाश, चांद से चांदनी, बादल से बरसात और बीज से हरियाली और सुहागन से सृष्टि। अरे जे सब तो उस घर में होवे है जहाँ सुहागन अपना पद धरे है। देखा सिठानी, तीज के पर्व पर हरे घर को निहारने आ गई शंकरिया। बहुत अच्छा किया शंकरी, आओ विराजो। वैसे अगर आज तू ना आती ना शंकरी, तो मैं शिकायत भेजने वाली थी कि बस इतना ही रिश्ता, बेटी का ब्याह करा दिया तो हमसे रिश्ते ही टूट गया। आज तो खूब चाशनी की सुगंध उठ रही है थारे घर से। अब क्या शब्दों में घोल घोल के पिलाओगी, कुछ खिलाओगी ना शंकरी को? शंकरी तू ना बदली, तेरे मुंह में जब तक लड्डू ना जावेगा ना, तेरे मुंह से सब देना फूटेंगे। सो तो है। अरे धनिया, कुछ मिठाई ले अपनी शंकरी ताई का मुंह मीठा करने के लिए। ये बात है, सब खूब चहक रहे हैं, बिटिया रानी आ गई के? बस आने ही वाली होगी। अच्छा हुआ आप यहाँ आई शंकरी ताई, आज हमारी अक्षरा की पहली तीज है और हमारी बहू की भी। हाँ। बरसात ने पीहर ना गई थी। उसकी सहेली जो यहाँ आ रही है, अक्षरा का पग फिरा तो पग धरना भी नहीं था, बस जल्दी जल्दी आई और जल्दी जल्दी चली गई। अब इस बार आ रही है तो वर्षा उसे नहीं मिलती, इसीलिए वर्षा ने सोचा कि हम सुलेखा बहन को यहाँ बुला लेते हैं, हम सब साथ में मिलकर तीज मनाएंगे। चलो जे तो अच्छा हुआ। लीजिए, लगता है आज भगवान जी की बड़ी कृपा है जो हमारा आंगन टिठोली से भर उठा है। अब तक तो अक्षरा को आ जाना चाहिए था, क्या हो गया? शौर्य गया तो है उसे लिवाने, बस आता ही होगा। अब वो तो रीति है, भाई अपनी बहन को मायके लेके आवेगा। आओ ले, आराम से। अरे शौर्य दादा, कैसे आप? आप बताइए, आप कैसे हो? हम अच्छे हैं, आइए बैठिए ना। अक्षरा भाभी कब से आपका इंतजार कर रही है? अरे इंतजार तो उनका हो रहा है, घर पर माँ का बस चलता है ना, तो वो तो मुझे सुबह आँख खोलते ही भेज देती। जा बुला कर। जी माँ, शौर्य दादू आ गए हैं, जाके भाभी को ले आओ। हाँ देखिए कैसे हैं। भाभी, भाभी, दादा, दादा भाभी कहाँ हैं? उनके शौर्य दादू आए हैं। क्या? दादू आ गए? दादू? अरे दादा, आप यहाँ क्या करें? चलिए ना। अरे अक्षरा, अरे ओहो, संभल के, हमेशा जल्दी में रहती है। वो तो मैं हमेशा रहूंगी। कैसे हैं आप? अच्छा, तू बता, बहुत सुंदर लग रही है। अरे जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। घर पे सब ठीक? जी, हमारी लाडली का तो घर पे बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और हाँ, ये माने आपके लिए भेजा, स्वीकार करें। अरे
की क्या जरूरत है बेटा, तुम हमारे साथ थोड़ा समय बिताना, खान पान किए बिना मत जाना। जी मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। हम अक्षरा का भाग पिटारा लाते हैं। रश्मि बैठो बेटा। जी आप बैठिए पहले जमाई सर। इस बार छोटी माँ अकेली तीज मनाएगी, पहली बार ऐसा हुआ। भाभी माँ भी चली गई ना, इसलिए। अभी माँ कहाँ गई? अभी माँ दादाजी के साथ बद्रीनाथ गई। और भाभी भी चली जाएंगी। लाभो हम सब है ना छोटी माँ के साथ। लेकिन आप दोनों कुंवारी हैं, अब सुहागन तो सिर्फ भाभी और छोटी माँ है ना, कितनी रस्में हैं जो दोनों को साथ निभानी है। ये रीत रिवाज मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमारी माँ वो तो एक एक चीज का ध्यान रखती है, पूजा कैसे करनी है, कब करनी है और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हाँ अब उनकी बेटी जा रही है तो सब चीजें अच्छे से होंगी। और वर्षा वो तो सुबह से रंगोली बनाने में लगी हुई है और इसका इंतजार कर रही है। वर्षा दादू, वर्षा मायके नहीं गई, उसकी भी तो पहली तीज है ना। उसकी सहेली का भी तो पहला है ना। और फिर माँ ने कहा कि अच्छा होगा अगर वो ससुराल में रुक जाए, और वर्षा भी माँ का दिल रखना चाहती थी, इसलिए मायका जाना कैंसिल। अक्षरा लो बेटा तुम्हारा सुहाग बेटा। सौ रुपये आगे अपनी देना भी लगे, सौ मीटर करो, हमारे हाथ की गरम गरम मछली खाओ। महाराज जी गाड़ी में मिठाई और फल रखवा दीजिए। हाँ उस सब रखवा दे। माँ वो मैं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ त्योहार के दिन अकेले छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। नहीं बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, वहां तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, पर आप भी तो मेरी माँ है। अक्षरा बेटा ये रीत है, पहली तीज तुम्हें उनके साथ मनानी होगी। दादी कहती है कि रीत को मनाओ लेकिन दूसरों का मन रखकर, और माँ भी यही कहती है। माँ के पास तो वहां त्योहार के दिन सब लोग हैं, पर आप बिल्कुल अकेली हैं। आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं, हम दीप साथ में मनाएंगे। क्यों दादू मैं ठीक कह रही हूं ना, आप माँ से कह दीजिएगा अगर उनकी बहू अपनी सास का ख्याल रख सकती है तो फिर उनकी बेटी भी अपनी सास का ख्याल रखेगी। माँ के जाने से माँ यहां बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। इन्हें यहां अकेला छोड़कर मैं वहां तीज की खुशियां मनाऊं? नहीं, आप ही बताइए दादू क्या ये ठीक होगा? जो तुझे ठीक लगे वो कर।
अपनी बहुरानी तो बड़ी समझदार निकली छोटी दुल्हन। बेटा तुम सच में यही रहोगे? जी आंटी जी। बेटी की जगह पाली है लेकिन आंटी जी कहना नहीं छोड़ा। खुश रहो। दादो मुझे माफ कर दीजिएगा पर मैं सहमत बोल, मुझे बहुत खुशी हो रही और बहुत बहुत गर्व हो रहा है। मुझे इस छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई है, इतनी समझदार हो गई है, बहुत खुश हूँ। सलमान, रश्मि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, भाभी के साथ इतनी रस्में निभानी है। मैं अपनी बहू को दुल्हन की तरह सजाऊंगी। कितना सुंदर डिजाइन लगाया है। लो आ गई नई नवेली दुल्हन। अरे नई नवेली दुल्हन ये आज नहीं कल लगेगी, जब भोला जी के नाम का तीज का व्रत रखेगी ये। क्यों धनिया, चले लगा मेहंदी? आप लगा मेहंदी। शंकरी भाग से इस निगोड़ी का रंग गया है, सिंदूरी सिंदूरी सा जीवन निखर गया है इसका। इसने तो भगवान की शान रख ली, जो इसकी मांग ना भरती तो कसम से शंकरी ने तो कोस कोस के कहीं धर दिया होता उसे। हाँ। ये तो तुमने सच कहा शंकरी, मेरा भी भाग डर गया है इसके सहारे। धनिया वर्षा कहाँ है? बड़ी बहू वो ऊपर तैयार हो रही है। ओ जे अच्छा है बड़ी बहू, आज तीज पर ननद भाभी में खूब होड़ लगेगी। किसका बखान ज्यादा होगा, किसका जोड़ा ज्यादा पवेगा है। आई धनिया तू भी लगवा ले मेहंदी। लगता है अक्षरा आ गई। छोटी जल्दी आरती की थाली लेकर आ। माँ अक्षरा आ गई लगता है। आइए माँ। हाय भैया जल्दी लगाइए ना, अक्षरा दीदी आ गई है। अरे धनिया जल्दी मत कर, अब बिटिया आई है तो तीन दिन यही रहेगी, यही चाहिए कि मैं आ गए माँ। मन नहीं लग रहा था। अक्षरा माँ वो नहीं है। चल झूठे, कहाँ है? माँ वो सचमुच में नहीं आई। क्यों क्या हुआ? काकी वो तीज का त्योहार अपने ससुराल में ही मनाना चाहते हैं। पर वो तो पीहर में मनाते हैं। नहीं नहीं मेरी बात हो गई है उनसे, अक्षरा यही आएगी। एक तो उसे लिए बिना कैसे आ गया? वहां जब मैं वहां पहुंचा तो अक्षरा ने बताया कि उसने अपना इरादा बदल दिया है, वो वहीं रुकना चाहती है। पर क्यों? उन्होंने रोका है क्या उसे? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे अक्षरा यहाँ क्यों नहीं आएगी? इतना मन था मेरी बच्ची का घर आने का, पता ना बेटा वो लोग अक्षरा को पसंद तो करते हैं। ओहो माँ कोई टेंशन नहीं है, हमारी अक्षरा बिल्कुल ठीक है और उसके ससुराल वाले वो तो उससे बहुत खुश हैं, और उसके सासू माँ ने तो उसकी सारी तैयारी कर रखी थी, जैसे उसका सुहाग पितारा, फल मिठाई सब कुछ तैयार था, हर अक्षरा भी तैयार थी। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि भाभी माँ और दादाजी बद्रीनाथ के लिए निकले, गायत्री आंटी अक्षरा के यहाँ जाने से अकेली रह जाएंगी ना, तो अक्षरा को ये ठीक नहीं लगा। उसकी सासू माँ अकेले तीज का त्यौहार मनाएंगी, ये सोचकर वो वहीं रुक गई। और ये सोच लिया कि उसकी माँ ये बेटी के बिना ही तीज मना लेगी,
बड़ी बहू। दादू मुझे माँ से बात करनी है, आप उन्हें फोन दीजिए ना। अक्षरा आप थोड़ा रुक जा, वो क्या है ना कि मैंने अभी भी माँ को तेरे नहीं आने की खबर दी है तो थोड़ा दुखी हो गई। वो है क्या वहाँ पे? नहीं, वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा है दादू। ओफो, अक्षरा तू जानती है ना कि माँ तेरे यहाँ आने के लिए कितनी खुश थी, तू नहीं आ रही है तो बुरा तो लगेगा ना। दादू प्लीज उन्हें मेरी तरफ से समझा दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आना नहीं चाहती थी, पर कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि मुझे उनकी परवाह नहीं है। बुद्धू कोई ऐसा क्यों समझेगा भला। हाँ, और वैसे भी मैंने माँ को तेरे यहाँ ना आने का सारा कारण बता दिया है ना, तू चिंता मत कर, हम सब लोग हैं ना यहाँ पे, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? दादू आप माँ से कह दीजिएगा कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती। अक्षरा तू दुखी मत हो, दादी माँ ऊपर गई उन्हें समझाने के लिए, वो संभाल लेगी। अब परेशान मत होना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।